हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रेस लेकर आए हैं वो ड्रेस हम 3 और 4 नंबर बाल गोपाल जी के लिए बनाएंगे। ये देखिए, चोली तो हमने बना ली है, ये देखिए। अगर ये चोली आपको 3 और 4 नंबर बाल गोपाल जी के लिए देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से चेक करें। मैंने वहाँ पर इस 4 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए चोली अपलोड की है, उस पर मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको डिज़ाइन नहीं बनाना, आप सिंपल चोली ऐसे ही बना सकते हैं और वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम जो इसके नीचे का घेरा है वो बनाते हैं। ये देखिए, धागा हमने साइड में इसके ला कर रोक के रखा है और रेड कलर से धागा भी हमने कट नहीं किया। तो यहाँ से अब हम इसका घेरा बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे और ये देखिए, यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे। टोटल हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। हमने कुछ दिन पहले सिलाई से बनाकर रोज फ्लोर की जो वीडियो है वो अपलोड की थी अपने चैनल पर, तो हमारी एक जो व्यूअर्स हैं उनका कमेंट आया था कि सेम ड्रेस हम उनको क्रोशिया से बनाकर दिखाएं, तो इसलिए आज हम ये क्रोशिया से रोज वाली ड्रेस बनाएंगे। एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है और ये इसका फर्स्ट राउंड है घेरे के लिए। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया, सेम जगह 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया, सेम जगह 1 डबल क्रोशिया और। देखिए, हर एक चेन के अंदर हमें 2-2 डबल क्रोशिया करना है और इसी तरह हम ये इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और इसको हम यहाँ पर, ये देखिए जो 3 की चेन थी इसके लास्ट वाली चेन के अंदर यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, इसका फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें ग्रीन कलर लगाएंगे। यहाँ से इसमें हम ग्रीन कलर देखिए जोड़ लेंगे। इस तरह से और 3 चेन बना लेंगे। देखिए, 3 चेन हमने यहाँ पर बना ली। धागा लेंगे और इसी चेन के अंदर देखिए 1 और ये 2, 3 की चेन थी और 2 बार हमने इसको जो है लूप ले लिया और सब ये जो सब लूप है इनको एक साथ हम बंद कर देंगे। ये देखिए, इनको हमने एक साथ बंद कर दिया। यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन हमने बना ली, फिर धागा लेंगे और ये देखिए, यहाँ पर हम 3 लूप ले लेंगे, 1 2 और ये 3, और तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे। ये देखिए, और एक चेन बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर धागा लेंगे, 1 2 2 चेन छोड़कर और थर्ड वाले के अंदर हम ये देखिए लूप ले लेंगे क्रोशिया हुक डालकर, 1 2 और ये 3, 3 लूप हमने ले लिए। अब इनको तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, 1 तो बना ली और 1 चेन और बना लेंगे, 2 चेन हमारे पास हो गई। फिर से धागा लेंगे और यहीं पर हम 3 लूप और ले लेंगे, 1 2 3, 3 लूप हमने ले लिए। फिर तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे और एक चेन बना लेंगे इस तरह से। देखिए, फिर हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, और थर्ड वाले के अंदर से हम लूप ले लेंगे, 1 2 3, और तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे और यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे इस तरह से।
फिर से हम सेम जगह तीन लूप ले लेंगे, एक दो तीन, और तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। एक दो, दो चेन छोड़ने का छोड़ने के बाद देखिए, फिर से हम तीसरी चेन के अंदर से लूप ले लेंगे तीन बार, और तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे और दो चेन बना लेंगे। फिर सेम जगह तीन लूप और ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और तीनों को एक साथ बंद कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड इसका कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड राउंड इसका हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी दो दो चेन छोड़ते हुए हमने तीसरी इसमें इसको जो ये ग्रीन कलर से डिजाइन बनाया है ये बना लिया, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बचा था, ये देखिए, तो हमने बस एक ही रखा, दो की जगह तीन चेन हमने नहीं ली, हमने यहाँ पर ये डिजाइन बढ़ा लिया। तो देखिए अब इसमें हम ये रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए जो ये ग्रीन कलर का धागा है इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ये देखिए सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरह से यहाँ पर, ये बीच में लेकर आ गए इसको, और ये देखिए अब हम यहाँ पर चार चेन बना लेंगे। एक तो हमने बना ली है, दो तीन चार, चार चेन ले ली इस तरह से, धागा लेंगे एक और ये दो, दो बार हम धागा लेंगे, और ये देखिए यहाँ पर जो हमने एक ही चेन में दो ये डिजाइन बनाए थे इनके बीच में हमें यहाँ पर वर्क करना है। ये देखिए यहाँ पर अब हम ये ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, दो दो फंदे बंद करते हुए, देखिए दो फंदे हमने बंद कर दिए एक बार, और ये दो फंदे हमने बंद कर दिए दूसरी बार, और लास्ट में हमने दो फंदे बंद कर लिए, इसे हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। देखिए चार चेन हो गई और एक बार हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। फिर से सेम जगह हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और ये नौ। देखिए यहाँ पर हमने नौ बार ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। ये फंदा हम यहीं पर छोड़ देंगे, और ये देखिए जो हमने चार चेन ली थी इसकी लास्ट वाली चेन के अंदर हम एक क्रोशिया हुक डालेंगे, और ये फंदा ऐसे लेंगे और दोनों को हम इस तरह एक साथ बंद कर देंगे। देखिए थोड़ा सा टाइट कर देंगे इस तरह से, फिर से हम यहाँ पर चार चेन बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार चेन बना ली, धागा दो बार लेंगे इस तरह से, और ये देखिए यहाँ पर हमें वर्क नहीं करना, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर के अंदर हमें वर्क करना है। यहाँ से हम लूप लेंगे, एक बार बंद किया, दो बार, दो दो धागे हमें बंद करने हैं, और ये तीन बार, एक ट्रिपल क्रोशिया, दो तीन चार
पांच छः सात आठ और ये नौ। देखिए 9 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब ये जो फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया है, इस चेन के अंदर को हम एक क्रोशिया हुक डालकर और इसको भी हम दोनों को, ये देखिए इन दोनों को एक साथ बंद कर देंगे एक चेन से। ये देखिए इस तरह से फिर से हम यहाँ पर चेन ले लेंगे। अब हम यहाँ पर फिर से 4 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4। 2 बार धागा लेंगे और ये देखिए फिर से यहाँ पर हम ये वर्क करेंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया हमें 9 बार फिर यहाँ से करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह से इसका 3rd राउंड कंप्लीट करेंगे, बीच में 4 चेन बनाते हुए। ये देखिए ये 4 चेन, फिर यहाँ पर 4 चेन, अब फिर से हम 4 चेन बना लेंगे और ये 3rd राउंड इसका कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका 3rd राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 2 3 4 4 चेन बनाते हुए। ये देखिए इस तरह से इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ से इसमें हम ये वाइट कलर लगा लेंगे। वाइट कलर हमने इसमें लगा लिया। अभी देखिए हमें यहाँ पर ये जो 4 चेन थी यहाँ पर आना है, इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन हमने बना ली। धागा लेंगे और इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक तो हमारी 3 की चेन हो गई, एक ही डबल क्रोशिया, 2 हो गए 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया कर लिए। फिर धागा लेंगे, अब इस चेन के ऊपर हम 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 बार हमने यहाँ पर किया, 7 बार ही हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें हर एक चेन के ऊपर, ये देखिए जो 4 4 की चेन हमने बनाई थी, हर एक चेन के ऊपर हमें 7 7 बार डबल क्रोशिया करना है। तीन, देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए, 5 और ये 6। देखिए यहाँ से हमने इस चेन के ऊपर जो हमने 4 4 की चेन बनाई थी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 7 डबल क्रोशिया करते हुए इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे।
ये इसका राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका एक राउंड और बना लेंगे, तीन चेन बनाएंगे। ये देखिए, ये राउंड हमने पहले फर्स्ट राउंड इसका कंप्लीट कर लिया था, इसके बाद ये सेकंड राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए हमने कैसे किया। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने सेकंड राउंड इसका कंप्लीट कर लिया। इसको यहाँ तक बनाकर जोड़ लेंगे। इस तरह से दो राउंड हमने ये वाइट कलर से बनाए। ये वाइट कलर से इसके टू राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब फिर से यहाँ पर हम ये ग्रीन कलर लगाएंगे, चेन बना लेंगे, धागा लेंगे और यहीं पर हम दो लूप बना लेंगे। एक तो ये थ्री की चेन हो गई, दो लूप हो गए। अब इनको हम बंद कर देंगे। ये देखिए दो चेन बना लेंगे और सेम जगह हम तीन लूप बनाएंगे, एक दो और ये तीन, और तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे। एक चेन बना लेंगे, धागा लेंगे इस तरह से और दो चेन छोड़ते हुए फिर हम इसी तरह से तीन लूप ले लेंगे और तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे। दो चेन बना लेंगे, फिर से हम तीन लूप लेंगे। अब हमें सेम यही डिज़ाइन बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया ग्रीन कलर से, उसके बाद रेड कलर से। सेम ये डिज़ाइन हम इसका एक और बना लेंगे इसी तरह से और फिर इसको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस हमने बना ली है और लास्ट में हमने देखिए कलियाँ इसकी इस तरह से बनाई है। और कुछ डिजाइन इसमें हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद आए हो, मेरी डिज़ाइन पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।